कहते हैं शंकर जी साधना के लिए, तपस्या के लिए जंगल में गए हुए थे और पार्वती माँ घर में अकेली थी। पार्वती माता जी को स्नान करने के लिए जाना था और घर में आने जाने वालों पर ध्यान रखने के लिए कोई भी नहीं था। तो उस समय माता पार्वती ने अपने ही शरीर का मैल निकाल के एक पुतला बनाया, मिट्टी का पुतला बनाया और उसमें जान डाल दी और उस बच्चे को घर के दहलीज पे बिठा दिया और कहा कि जब तक मैं बाहर नहीं आऊं तब तक किसी को भी अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं देना। और माता की आज्ञा पाकर ये बच्चा दहलीज पर बैठा रहा। शंकर जी कई सालों की तपस्या करके जब घर वापस लौटे तो ये बच्चा उन्हें घर के अंदर प्रवेश करने के लिए मना करता है। तब शंकर जी बहुत क्रोधित हो उठते हैं कि मेरे ही घर में मुझे आने के लिए ये बच्चा कौन होता है जो मना कर रहा है। तो शंकर जी एकदम क्रोध में आकर के अपने त्रिशूल से इसका सिर धड़ से अलग कर देते हैं। और जब माता पार्वती बाहर आती और देखती है तो बहुत शोक करने लगती है और अपने पति को विनती करने लगती है कि इस पुत्र को फिर से जीवित करो। तो माता पार्वती के शोक को मनाने के लिए शंकर जी ने कहा कि अब इसके बाद इस रास्ते से जो भी गुजरेगा तो उसका सिर काट के इस बच्चे को लगाएंगे। तो कुछ समय के बाद वहां से हाथी का बच्चा गुजरता है तो शंकर जी ने हाथी के बच्चे का सिर काट के इस बच्चे के सिर को लगा दिया और इस बच्चे को जीवित कर दिया। कुछ बातें आश्चर्यकारक भी लगेगी और प्रैक्टिकल भी नहीं लगेगी, क्योंकि किसी बच्चे का जन्म इस प्रकार से भी हो सकता है क्या? शरीर का मैल निकाल के बच्चा बनाया जाए। तपस्या से, साधना से मन शांत और स्थिर हो जाता है। और शंकर जी को इतना क्रोध कहां से आया जो उस क्रोध में आकर के उन्होंने अपने त्रिशूल के जरिए उस बच्चे का सिर ही धड़ से अलग कर दिया। हम सभी अनुभवी हैं कि अगर हम एक 5 मिनट भी मेडिटेशन करते हैं तो उस 5 मिनट के मेडिटेशन या साधना से भी मन शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। अगर मन में कोई क्रोध हो तो वो भी समाप्त हो जाता है। और शंकर जी को इतना क्रोध कहां से आया और फिर सिर लगाना ही था, अपनी शक्ति से फिर से वही सिर जोड़ करके बच्चे को जीवित कर सकते थे। अन्य दूसरे प्राणी का सिर काट के उस बच्चे को लगाने की क्या आवश्यकता थी? तो इन सभी के पीछे बहुत सुंदर आध्यात्मिक भाव छिपा है और आज हमने इस आध्यात्मिक भाव को न समझते हुए केवल जो दृष्टांत रूप में हमको नजर आ रहा है उसी को ध्यान में ले लिया। वास्तव में ये जो जन्म कथा बताई गई है, शंकर जी ने बच्चे का सिर उड़ा दिया, पार्वती माता के मैल से इस बच्चे को बनाया गया, तो ये मैल या मिट्टी शरीर का ही तो प्रतीक है। हर मानव मात्र का जो शरीर है ये पंच तत्वों से बना हुआ मिट्टी का ही तो पुतला है और इस पुतले में परमात्मा ने जान डालकर हमें जीवित कर दिया है। किंतु आत्मा इस शरीर में प्रवेश कर कार्य करते करते हर मानव अपने आत्म भाव को, अपने दिव्य स्वरूप को भूल करके, अपने पराये को भी भूल करके इस देह भान में आ चुका है और देह भान के कारण ही अपना पराया, मित्र, संबंधी हम किसी को भी सही रूप में पहचान नहीं पा रहे हैं। एक अहंकार का सिर आ चुका है। जैसे कोई बहुत इगोइस्ट होता है, बहुत अहंकार में बर्ताव करता है तो कहा जाता है इसका सिर बहुत ऊंचा उठ चुका है। तो परमात्मा आकर के हम सभी को आत्मज्ञान देकर हम सभी के अंदर का देह अभिमान का या अहंकार का सिर उड़ा देते हैं। और जब ये अहंकार समाप्त हो जाता है, अहंकार का सिर कट जाता है, अहंकार का सिर उड़ जाता है, तो एक नया सिर आता है और वो नया सिर अर्थात जिसमें एक विजडम है, उस नए सिर में डिवाइन
क्वालिटीज है उस नए सिर में, डिवाइन कोर वैल्यूज है और ऐसा सिर अर्थात हाथी का सिर दर्शाया हुआ है। तो इसी का प्रतीक श्री गणेश को हाथी के सिर वाला दिखाया है। तो ये देह अहंकार समाप्त करके हमारे अंदर हमें कौन सी डिविनिटीज को अपनाना है, वो हमें ये गणेश जी का सिर दर्शाता है, मार्गदर्शन करता है, जिससे हम भी अपने आप में सिद्धि विनायक या एक हम्बल लीडर बनकर के हर कार्य की सफलता पा सके और अपने आप में हम गणेश जी का आशीर्वाद पा सके और हर कार्य में विघ्न विनाशक बनकर के या अपनी समस्याओं को समाप्त करते हुए आगे बढ़ सके। यही ये कहानी या यही ये जन्म कथा स्पष्ट करती है। तो आइए हम इस गणेश उत्सव में अपने अंदर इस नए सिर को धारण कर लेते हैं, अहंकार के सिर को निकाल देते हैं और डिवाइन कोर वैल्यूज का या एक लीडरशिप क्वालिटीज को अपनाने की प्रतिज्ञा या संकल्पना को अपने आप में भर लेते हैं और इस सिर के अंदर या संपूर्ण शरीर के हर अंग के अंदर कौन सी दिव्यता समाई हुई है, कौन से डिवाइन वैल्यूज है, इसको हम हर आए दिन गणेश जी के 11 दिन में हर अंग को सुनते चलेंगे, ताकि हर दिन हम भी गणेश जी के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त कर सके और एक एक गुणों को आत्मसात कर सके। ओम शांति।